खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां शनिवार को बुढ़ाना कस्बे में पंचायत में पूर्व विधायक उमेश मलिक द्वारा दिए गए बयान से आरएलडी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह भरी पंचायत में उमेश मलिक ने लोकदल कार्यकर्ताओं का अपमान किया, उन्हें थाने में तहसील में ना जाने की पीटने की धमकी दी, तो वहीं विनोद मलिक ने कहा अगर लड़ाई ही लड़नी है तो समाज से हटकर व्यक्तिगत रूप से आमने सामने की लड़ाई लड़े, इस तरह धमकी ना दे। पूर्व प्रमुख विनोद मलिक ने उमेश मलिक पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। सीधा चैलेंज करना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं, और मैं कहता हूं कि आमने सामने आप कभी भी अगर टकराव इस देश को तोड़ना चाहते हैं और इस बुढ़ाना की जो जनता को जो आप लोग तोड़ना चाहते हैं, हम इसको समाज को टूटने नहीं देंगे। और हम ये कहना चाहते हैं अगर आपको कोई लड़ाई लड़नी है तो समाज से अलग हट करके व्यक्तिगत रूप से लड़े। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ तक कहा, वहां पर जो है सब समाज के लोग थे, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वहां किसान यूनियन के लोगों को भी उन्होंने ललकारा है और राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को भी ललकारा है, और उन्होंने टोपी कर करके विशेष बात कह करके, कोई टोपी, कोई समाज, कोई गोल्ड टोपी, कोई ग्रीन टोपी, कोई रेड टोपी, अरे सब लोग जाएंगे, सब समाज के लोगों ने वोट दिया। और एक और बात उन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो नहीं कहना चाहिए था, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ये भी कहा कि थाने में हम दौड़ा करके पीटेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन, जिला प्रशासन, उसके खिलाफ FIR दर्ज करे और उसको जेल भेजने का काम करे, वरना हम इसमें कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। और हम सारे अपने पूरे क्षेत्र की, अपने जो जिन लोग हमारे समाज के लोग थे, उसमें सब समाज के लोगों ने वोट दिया था, सब समाज के लोग हमारे भी साथ थे, उन्होंने ये कहा कि एक समाज पर केवल, कभी एक समाज की बात करता था, कभी ग्रीन टोपी की बात करता था, कभी रेड टोपी की बात करता था, कभी गोल्ड टोपी की बात करता था, ये बर्दाश्त नाकाबिले है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।